वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार से बुधवार को कोविड-19 के प्रबंध, गेहूं क्रय की स्थिति, प्रदेश में विभिन्न एयरपोर्ट के विकास, सी प्लेन संचालन हेतु रूट का निर्धारण सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की और कहा कि एयरपोर्ट के विकास और विस्तार के लिए भूमि को चिन्हित कर उसका अभिग्रहण किया जाए। इसके अलावा कोविड पर प्रभावी रोक लगाने का भी उपाय किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोशिश करें तो ऑब्वियसली उसमें दोनों जगह एयर कनेक्टिविटी है और वहाँ पे सी प्लेन्स का वायबिलिटी बहुत नहीं रहेगा, तो मैं ब्रॉडली 3-4 जो क्राइटेरिया है जो मोगा के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो हम लोगों को कम्युनिकेट किया है, मैं वो अभी डीसी के माध्यम से बताऊंगा और सारे मंडलायुक्तों के अवलोकना, तो मैं उसको आज रिपीट भी डाक के माध्यम से भी अभी भिजवाऊंगा। और अगर प्रोटेक्टेड वाटर्स अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसे जगह वाटर बॉडीज का चिन्हांकन होना चाहिए जहाँ पे वेव्स 18 इंच से ज़्यादा का वेव्स ना हो और 6 नॉट से ज़्यादा वाटर का जो फ्लो है उससे ज़्यादा ना, बाई 120 मीटर्स का, दैट इज 1.1 किलोमीटर्स बाई 120 मीटर्स का एक हमें क्लियर एयर स्ट्रिप चाहिए। इसमें कोई शार्प बेंड्स रिवर पे या वाटर बॉडी पे नहीं होना चाहिए और 2 या 3 रिवर्स की कॉन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ताकि अंडर करंट का कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नजर आ रहा है कि ये जमीन हमें लेना है या नहीं लेना है। सर, ये 3 बिंदुओं पे सर आपका एक मार्गदर्शन भी अपेक्षित है सर, चूंकि आपके स्तर पे अगर ये बिंदुओं का अगर सॉर्ट आउट हो जाए, एक तो नंबर 1 का अप्रूव्ड मास्टर प्लान है, उसके अनुरूप सर जमीन कहाँ कहाँ हमें क्रय करना है तो उसका कार्ड वाइज सर आइडेंटिफाई होके वो सर एक डिसीजन हो जाए और उसका फाइनल प्रपोजल हमें जेल से प्राप्त हो जाए। सेकेंड सर, ये आर्मी के जो जमीन है 273 एकर्स, उसकी रिक्वायरमेंट उसमें से कितना है, जहाँ तक सर हमारे पास रिपोर्ट है लगभग 24-25 एकड़ की जमीन ही एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, बाकी ललितपुर शहर में है। सर, अगर इस बिंदु पे अगर हमें क्लैरिटी हो जाए तो उसके हिसाब से सर हम उसको आगे बढ़ाने की स्कीम रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एडीएम को भेजा था लखनऊ और उसने मुझे आकर के फिर फीडबैक दिया है कि आपसे उनकी डिटेल बैठक हुई, जो भी इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, मुझे ये फीडबैक दिया गया था। जो प्रस्ताव मेरे पास में आया था वो बहुत इनकम्प्लीट सा प्रस्ताव था सर,